अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आज का ये जो मेरा पौधा है वो है कैना लिली। कैना लिली बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। देखें आप इसकी खूबसूरती, बड़े पत्तों वाला, इसके पत्तों की खूबसूरती देखें माशाल्लाह से। ये अगर 3-4 गमले एक साथ एक जगह पे रखे हों तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखें यहाँ से इसके फूल आते हैं, फूल आने के बाद मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ। ये भी काटी हुई है, यहाँ इसको दो दफ़ा फूल लग चुके हैं, अब इसकी कटिंग की है, इंशाल्लाह इसको दोबारा से फूल आएंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये देखें मैंने इसमें दो पौधे लगाए थे, एक ये पौधा लगाया था और एक शायद ये था। तो इसने ये सारे खुद ही से निकाले हैं और इसमें से मैंने दो और भी निकाले हैं पौधे, किसी को गिफ्ट किए थे। और एक पौधा मैंने इसमें लगाया था, ये वाला, ये पौधा मैंने इसमें लगा लिया था और इसने ये आगे ये इसने बच्चे दे दिए। और माशाल्लाह से ये देखें, अभी मैंने इनकी काफ़ी कटिंग की है, पत्ते पुत्ते काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। ये देखें ये पड़ा हुआ कचरा, तो लेकिन ये ज़ाया नहीं है। मैं इन पत्तों को भी मैं जहाँ रखती हूँ, जहाँ इनकी पत्तों की खाद बनती है, मैं इनको उसमें डाल दूँगी। ये भी काम आते हैं बहुत ज़्यादा। और आपने देखा कितना खूबसूरत ये पौधा है, उसको लगाना बहुत आसान है। अभी मैं इसके नीचे बल्ब होता है, इन पौधों के नीचे बल्ब होता है और एक बल्ब में से 4-4, 5-5 पौधे निकल आते हैं, 2 निकलते हैं, 3-3 निकल आते हैं, उसी बल्ब से निकलते रहते हैं। जब हम पौधा निकालते हैं तो बाज़ात हम उसको काट के भी पौधा निकालना पड़ता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पौधा लग जाता है। अभी मैं इसमें से या इसमें से मैं पौधा लूँगी जो कि आसानी से निकल आएगा, तो उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं। बहुत ही आसान काम है, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। जो पुराने पौधे लगाने वाले हैं, जो लगा रहे हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वो तो लगाते ही रहते हैं। तो अभी पौधा निकालते हैं इसमें से कोई। तो नाज़रीन ये देखें, ये मैंने एक पौधा निकाल लिया है यहाँ से, ये पौधा यहाँ पे था, मैंने इसको आराम से निकाल लिया है और इसको भी काट के ही निकाला है। ये देखिए इसके साथ इसकी रूट्स भी हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह बना लेता है। जब भी हम इसे निकाल के इस दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं, ये मैंने बड़ा पौधा ही निकाल लिया है, क्योंकि ये दूसरे गमले में अच्छे से ग्रो करेगा और बच्चे भी देगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, अब इसको हम लगाएंगे, मिट्टी की इसको पहले सपोर्ट दे लेते हैं। इसको पुश करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी जड़ें अच्छे से मिट्टी में दब जाएं और उनको हवा वगैरह से वो महफूज हो जाए और वो अपनी जड़ें भी बना लें, पकड़ लें इस मिट्टी में। देखा जी ये गमला लग गया हमारा पौधा, इसमें गमला तैयार हो गया। इसको हम ज़रा शैडो से नहीं ज़्यादा दबाना, उसके करीब करीब से उसको थोड़ा दबा देंगे ताकि पौधा अच्छे से लग जाए। आप ये काम ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर हाथ से ही करती हूँ। मैं ग्लव्स पहनती हूँ उस वक्त जब मैंने इसमें काउडंग मिक्स करनी हो तब, वरना मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ। तो आपने ये पौधा देखा, इसकी अब केयर सिर्फ इतनी है कि सर्दियों में ये पत्तियाँ इसकी सब जल जाती हैं ठंड से, तो 2 माह के लिए ये ख़त्म हो जाता है पौधा, लेकिन ये मरता नहीं है, ये ज़िंदा ही होता है। इसके नीचे बल्ब होते हैं और साथ साथ उसमें से यहाँ पे छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाते हैं इनके बच्चे। जैसे ये देखें, ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये है, ये बच्चे निकलते आते हैं। सर्दियाँ ख़त्म होते ही फिर से कमरा भर जाता है नए पौधों से, पुराने पौधे जो होते हैं वो नए बच्चे दे देते हैं, तो उसी गमले में वो फिर से बहुत जल्दी बड़े होते हैं, बहुत ही उनकी जल्दी ग्रोथ होती है। ये पता देखें, ये 2 दिन पहले ही निकला है। और ये देखें ये छोटा सा है, तो सर्दियों में 2 माह के लिए ये पौधा बस मुरझा जाएगा, उसके बाद फिर से नए तरीके से निकल आएगा। तो
तो आपने परेशान नहीं होना, वो अपने नीचे से नए बच्चे फौरन से इसके नीचे यहाँ से नए इसके निकलना शुरू हो जाते हैं पप्स। तो पौधा लगाएं, पौधों की हिफाजत करें, पौधों से प्यार करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।